हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बताने वाले हैं पटना हाई कोर्ट अनुवादक बहाली के बारे में, जो कि पटना हाई कोर्ट के द्वारा ट्रांसलेटर की बहाली निकाली है। इसमें किस प्रकार से सिलेक्शन होगा, इसमें एज लिमिट क्या रखा गया है और सैलरी कितना मिलेगा, और ऐसी बहुत सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको फुल जानकारी मिलेगी। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अगर हमारे चैनल पे आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर ऑल कर लीजिएगा। इसी से रिलेटेड हमारे चैनल पे वीडियो आती रहती है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। ये वैकेंसी जो है पटना हाई कोर्ट के तरफ से निकाली गई है, पटना हाई कोर्ट ट्रांसलेटर की, जिसमें टोटल पोस्ट जो है 39 है। ये अप्लाई मोड जो है इसका ऑनलाइन रहेगा। ये जो है ऑनलाइन स्टार्ट फॉर्म डेट जो है 21 अक्टूबर रखा गया है। इसमें जो है पोस्ट कैटेगरी वाइज रखा गया है, जो कि जनरल में 16 है, ईडब्ल्यूएस में 4 है, उसके बाद एससी के जो है इसमें 4 सीटें हैं, उसके बाद इसमें दिया गया है एसटी का 1 सीट है, ईबीसी का 7 है, बीसी का 5 है, टोटल जो है 39 सीट है इसमें। उसके बाद इसमें आ जाता है एज लिमिट। एज लिमिट क्या रखा गया है, इसमें एज लिमिट दिया गया है मिनिमम एज 18 साल है, उसके बाद मैक्सिमम एज लिमिट फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस 37 साल रखा गया है। मैक्सिमम एज लिमिट फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस फीमेल 40 साल है, उसके बाद मैक्सिमम एज जो है इसका लिमिट फॉर ईबीसी मेल एंड फीमेल के लिए है 40 साल रखा गया है। इसमें जो है आप इस प्रकार से 40 साल और 42 साल मैक्सिमम एज लिमिट ओएच यानी 47 साल रखा गया है। उसके बाद इसमें आता है कि आपको इसमें सैलरी क्या दिया जाएगा अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं। तो इसमें ट्रांसलेटर अनुवादक का सैलरी जो है लेवल 7वां का 44,900 से लेके 142,400 तक सैलरी मिल सकता है। मिनिमम सैलरी जो है इसमें 44,900 यानी लगभग 45,000 है, और मैक्सिमम जो है 142,400 रखा गया है। उसके बाद इसमें आता है अप्लीकेशन फ़ी। इसमें अप्लीकेशन फ़ी जो है जनरल ओबीसी और बीसी ईडब्ल्यूएस का जो है 1,000 रुपया अप्लीकेशन फ़ी लगेगा, और एससी एसटी ओएच का जो है 500 रुपया फ़ी लगेगा, क्योंकि इसमें दो तरह का फ़ी रखल गया है, जनरल और एससी एसटी के लिए दोनों का अलग अलग रखा गया है। उसके बाद आता है इसमें सेलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। इसमें जो है सेलेक्शन प्रोसेस जो है इसमें 3 प्रकार से होगा। फर्स्ट नंबर में आपको राइटिंग एग्ज़ाम देना पड़ेगा, टेस्ट देना पड़ेगा, उसके बाद सेकेंड नंबर में कंप्यूटर टेस्ट होगा आपको, उसके बाद तीसरे नंबर में जो है लास्ट में इंटरव्यू रखा गया है। इंटरव्यू आप क्लियर कर लेते हैं लास्ट में तो आपका जो है इसमें सेलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद आता है कि इसमें आवेदन हम किस प्रकार से कर सकते हैं। आवेदन जो है इसमें अप्लाई मोड रखा गया है, ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा आपको। इसमें ऑनलाइन करने के लिए आपको अप्लाई ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया, इसमें जो है बताया गया उम्मीदवार को पहले यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए पंजीकरण विवरण भरकर खुद को पंजीकृत करना होगा। उसके बाद सेकेंड नंबर में आता है उम्मीदवार को पंजीकृत ईमेल पते और पंजीकृत मोबाइल नंबर पर यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त होगा। विदेशी उम्मीदवारों को पंजीकृत ईमेल पते यूजर आईडी पासवर्ड दोनों प्राप्त होंगे। उम्मीदवार 3 नंबर में आता है उम्मीदवार ट्रांसलेटर के लिए आवेदन पत्र को पूरा करने के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड के साथ लॉगिन कर सकते हैं। और 4 नंबर में आता है उम्मीदवार को सही नाम, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर और ईमेल पता प्रदान करना होगा, क्योंकि पंजीकरण पूरा होने के बाद इन विवरणों का बदला नहीं जा सकता है। इसमें जो है आप जो चीज़ डालिएगा एक ही बार में डाल सकते हैं, उसके बाद कोई चीज़ गलत होगा तो आप उसको सुधार नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप एक ही बार में अच्छा से फॉर्म को फिलअप करेंगे। इस प्रकार से जो है आप इस पटना हाईकोर्ट ट्रांसलेटर वैकेंसी में जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और जॉब प्राप्त कर सकते हैं।
आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। हमारे इंस्टाग्राम से जुड़ने के लिए हमारे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर सकते हैं। जय हिंद।